हाय एवरीवन, वेलकम टू डिलाइट वेज रसोई। मुंबई के स्ट्रीट सेल स्नैक्स जो पूरी इंडिया में काफ़ी फेमस है, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही फेमस मुंबई सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है घोटाला सैंडविच। खाने में ये जितना टेस्टी लगता है, बनाने में ये उतना ही आसान है। तो आइए बिना देर के सैंडविच की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चिपोटले डिप। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच के करीब मेयोनीज ले ली है। डालेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच सिरका डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच के करीब गार्लिक पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप चाहें तो इसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑथेंटिक घोटाला सैंडविच बनाने के लिए मक्खनी ग्रेवी या तंदूरी मेयोनीज का यूज़ होता है, लेकिन इस सैंडविच को फटाफट बनाने के लिए हम इसमें मक्खनी ग्रेवी को रिप्लेस कर रहे हैं चिपोटले डिप के साथ। तंदूरी मेयोनीज की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये देखिए, हमारी चिपोटले डिप बनकर एकदम तैयार है। अब हम सैंडविच के लिए स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह से वे टुकड़ों में कटे हुए पनीर के पीसेस ले लिए हैं। डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच के करीब डालेंगे उबले हुए या फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स, 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच चिपोटले सॉस का डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज, 1 छोटा चम्मच शेजवान सॉस डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच हरी चटनी डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 बड़े चम्मच के करीब डालेंगे मोजरेला चीज, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे प्रोसेस चीज का। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे। मैंने इसमें 2 अलग अलग तरह की चीज़ यूज़ की है। आप चाहें तो सिर्फ इसमें 2 बड़े चम्मच मोजरेला चीज़ या फिर सिर्फ 2 बड़े चम्मच प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे सैंडविच के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम एक ब्रेड पीस लेंगे और स्टफिंग को अच्छे से इस पर लगा देंगे। अब दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे और एक बार इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह हम सभी सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम ब्रेड के टॉप पर इस तरह से बटर लगा देंगे। आप चाहें तो सीधा पैन पर भी बटर लगाकर इसे ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बटर लगाने से इस पर ग्रिल मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। अब जिस साइड पर हमने बटर लगाया है उसे ग्रिल पैन में नीचे की तरफ करके ग्रिल पैन में इस ब्रेड को रख देंगे। अब टॉप स्लाइस पर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। अब हम इसे पलट कर देखते हैं। ये देखिए, कितने ही अच्छे ग्रिल मार्क्स इस पर आए हैं। मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन का यूज़ किया है। आप चाहे तो नॉर्मल पैन या फिर ग्रिल सैंडविच मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम इसे पलट कर देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। इसी तरह हम सभी सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सभी सैंडविच ग्रिल हो चुके हैं। अब हम इन्हें पीसेस में कट कर लेंगे। स्ट्रीट स्टाइल में सर्व करने के लिए हमने इस तरह से डिस्पोजेबल प्लेट्स ली हैं। अब हम इसमें रखेंगे कट किए हुए सैंडविच के पीसेस। इसे स्ट्रीट स्टाइल में सर्व करने के लिए एक तरफ हम रखेंगे चिप्स और इसे सर्व करेंगे हरी चटनी, टोमेटो सॉस, चिपोटले सॉस और शेजवान सॉस के साथ। ऊपर से डालेंगे नायलॉन सेव, साथ ही डालेंगे थोड़ा से हरे धनिए के पत्ते। तो ये देखिए, तैयार है एकदम स्ट्रीट स्टाइल पनीर घोटाला सैंडविच। अगर आपको ये घोटाला सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। जल्दी मैं नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।